Welcome friends, the question is which of the following number will replace the interrogation sign? Interrogation sign means question mark. इनमें से कौन सा नंबर होगा जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देगा? ऑप्शंस हैं 10, 15, 20 और 35. तो आप देख सकते हैं इस फिगर में दो साइड का मेज़र दिया गया है और तीसरे साइड में मेज़र की जगह क्वेश्चन मार्क दिया गया है. तो इसी क्वेश्चन मार्क का हम लोगों को रिप्लेस करके कौन सा नंबर होगा ये बताना है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स. ये जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग का नहीं है. अगर रीजनिंग का क्वेश्चन होता तो इस तरह का एक और ट्रायंगल कम से कम होता और उसका मेज़र दिया गया होता और उसी के बेस पे हम लोगों को इसको सॉल्व करना होता. तो ये क्वेश्चन रीजनिंग का नहीं है. ये क्वेश्चन जो है क्लास 8 या 7 में ओलंपियाड में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन. ठीक है, तो इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे. पहली बात तो ये है कि ये इस साइड का मेज़र 25 है और इस साइड का 10 है. तो ये साइड का मेज़र अगर हम लोग 10 लेते हैं तो हो जाएगा 10 प्लस 10 इक्वल्स 20, अगर इसका 10 लेंगे तो. और तीसरा साइड है 25. ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम के हिसाब से कि दो साइड का जो सम होता है वो तीसरे से बड़ा होता है ट्रायंगल के अंदर. ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, दो साइड का सम तीसरे से छोटा हो जा रहा है. तो इसका मतलब है कि इस साइड का मेज़र 10 नहीं होगा. चलिए अब हम लोग 15 लेके देखते हैं जो कि ऑप्शन बी में है. अगर 15 लेंगे तो 15 प्लस 10 25 होगा और ये तीसरा साइड का मेज़र 25 दिया गया है. तो इसमें भी जो है सो दो साइड को जोड़ने पर तीसरा के बराबर इक्वल हो जा रहा है. तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम के हिसाब से दो साइड के मेज़र का सम जो है सो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए ट्रायंगल के अंदर, तभी ट्रायंगल पॉसिबल होता है. ऑप्शन डी देख लेते हैं. ऑप्शन डी 35 है. तो अगर हम लोग 25, ठीक है, इस साइड को और इस साइड को 10 को दोनों को सम करेंगे तो 35 होगा. और अगर हम लोग इस साइड को ऑप्शन डी में जो 35 है 35 अगर ले लेंगे तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा. तो इसलिए जो है ऑप्शन डी भी सही आंसर नहीं होगा. तो सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन सी होगा. जैसे आप लोग देख सकते हैं कि 20 प्लस 10 बड़ा हो जाएगा 25 से. ठीक है, और 25 ये दोनों साइड को जोड़ते हैं प्लस 10 बड़ा हो जाएगा 20 से. ठीक है, और 20 प्लस 25 बड़ा हो जाएगा 10 से. तो ये तीनों साइड जो है सो 10, 20 और 25 हो सकता है, तभी ट्रायंगल जो है पॉसिबल होगा. क्योंकि ऑप्शन में 20 है तो यहाँ पे जो है इंटरोगेशन साइन को 20 रिप्लेस कर देगा. तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा.